फ्रेंड्स वेलकम टू मिशास किचन तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ नॉर्थ इंडियन वेज थाली वो भी फोर्टी मिनट्स में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टिंडे के कोफ्ते बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने स्मॉल साइज के ये टिंडे लिए हुए हैं और इनको मैंने पील कर लिया है और इसको मैं कट लगा दूँगी इस तरह से सेंटर में प्लस बना के तो जो आप कट लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डीप मत करिए नहीं तो ये टूट जाएगा तो ये देखिए इस तरह से मैं कर लेती हूँ और इसे मैं पानी में थोड़ी देर के लिए रख लेती हूँ और तब तक मैं यहाँ पर एक बोल चावल लेके इनको अच्छे से वॉश करके मैं सोख होने रख देती हूँ और यहाँ पर मैंने एक कप अरहर की दाल को भी अच्छे से वॉश करके सोख होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर मैंने ले ली है ये पालक एक कप इसको भी मैं पानी में बॉयल होने के लिए रख दूँगी क्योंकि हम इसका रायता बनाएंगे तो ये दाल भी अच्छे से सोख हो गई है तो इसे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस कुकर में और इसमें ले लिया है मैंने दो गिलास पानी और डाल देती हूँ एक चम्मच नमक और आधे चम्मच में डाल रही हूँ इसमें हल्दी और अब मैं इसको ढक्कन लगा कर रख दूँगी तीन विज से लाने तक गैस पर और अब कर लेते हैं हम अपना आटा रेडी तो यहाँ पर मैंने दो बोल आटे में एक चम्मच नमक ले लिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसे अच्छे से लगा लूँगी तो आटा हमें एकदम सॉफ्ट ही लगाना है जिससे कि रोटियां भी एकदम सॉफ्ट बने तो ये आटा मेरा लग चुका है तो इसे मैं कवर करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए और जब तक हम बना लेते हैं अपनी वेजिटेबल्स तो यहाँ पर मैं दोनों वेजिटेबल्स के लिए साथ में ही मसाले पीस लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने ये चार ऑनियन और चार टमाटर लिए हुए हैं दो हरी मिर्च और दो लहसुन ली हुई हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये प्याज अनियन और इसको मैं कट कर लेती हूँ इस जार में और इस प्याज के साथ ही मैं इसमें डाल लूँगी ये दो लहसुन की कलियाँ और ये दो हरी मिर्च इनको भी मैं पीस लूँगी और ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है यहाँ पर और ये टमाटर का पेस्ट भी बन गया है तो इसे रख देते हैं हम साइड में और बना लेते हैं भरमा टिंडे तो सबसे पहले मैंने एक बोल में ले रही हूँ यहाँ पर एक चम्मच नमक और डेढ़ चम्मच में यहाँ पर ले रही हूँ ये धनिया पाउडर आधे चम्मच ले लेते ले हैं लाल मिर्च का पाउडर और आधे चम्मच हल्दी पाउडर और आधे चम्मच ही ले रही हूँ मैं यहाँ पर सौंफ और आधे चम्मच ले रही हूँ जीरा और थोड़ा सा अमचूर भी इसमें ले लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते ले ले हैं तो जो टिंडे हमने पानी में कट करके रखे हुए थे वो ले लेते हैं इसका पानी मैंने फेंक दिया है और अब हम इसको इस तरह से इसमें ये मसाला भर लेते हैं टिंडे में तो सेंटर में आप जितना मसाला उसमें आ रहा है इज़ीली उतना आप इसमें ले लीजिए तो यहाँ पर ये सारे टिंडों में मैंने मसाला भर लिया है अब हम इनके फ्राई करने की तैयारी करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं ले लेती हूँ टू टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल देती हूँ आधे चम्मच जीरा वन फोर टी मैंने यहाँ पर हींग डाल दी है और अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये प्याज का पेस्ट जो कि हमने रखा हुआ है पीस के तो ये मैं इसमें आधा ही डाल रही हूँ आधा मैं आलू गोभी की सब्ज़ी जो हम बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे तो इसको हम ब्राउन होने तक अच्छे से इसमें हम सौते करेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाए ओनियन तो जब तक ये ओनियन जो है अच्छे से सौते हो रहा है तब तक हम एक और पैन ले लेते हैं उसे दूसरे बर्नर पर रख देती हूँ मैं गैस के और इसमें ले लेती हूँ मैं टू टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल इसमें हम गोभी फ्राई करेंगे तो यहाँ पर ये ऑनियन भी कुक हो रहा है और इसमें मैं ले लेती हूँ अब गोभी ये मैंने पहले से वॉश करके काट ली है और ऑयल एकदम गर्म है तो इसमें हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तो ये गोभी को हम फ्राई होने देते हैं और तब तक हम देख लेते हैं ये ओनियन तो यहाँ पर ये ऑनियन का जो पेस्ट है बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है इसमें तो इसमें मैं डाल देती हूँ ये टमाटर का पेस्ट ये मैं आधा ही डाल रही हूँ इसमें आधा हम आलू गोभी में डालेंगे और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ मसाले तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वन टी धनिया पाउडर और मैं ले रही हूँ आधे चम्मच लाल मिर्च आधे चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच नमक और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ ना हो जाए इस मसाले में से तो ये देखिए अच्छे से हो गया है तो मैं इसमें ये टिंडे भी डाल देती हूँ और इसको मैं कवर करके रख दूँगी अब लगभग पाँच मिनट के लिए पाँच मिनट में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और अब देख लेते हैं हमारी गोभी तो ये भी देखिए कितने अच्छे से गोल्डन हो चुकी है तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और इसी पैन में हम इसकी सब्ज़ी भी बना लेंगे तो ये गोभी मैंने निकाल ली है और इस पैन में ऑलरेडी ऑयल है यदि आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप और ले लीजिए मैंने इसमें एक चम्मच जीरा डाल लिया है आधे चम्मच हींग डाल ली है और अब मैं डाल रही हूँ ये बचा हुआ जो पेस्ट था हमारा ऑनियन का और ग्रीन चिली का वो मैं इसमें डाल लेती हूँ और इसको हम अच्छे से सौते करेंगे इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आए तब तक और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और नमक और इसे मिक्स कर लेंगे आपस में और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं और इसे मैं अच्छे से सौते कर लूँगी तब तक कि इसमें ऑयल रिलीज़ हो जाए तो ये मसाला अच्छे से कुक हो चुका है तो इसमें डाल देती हूँ मैं ये आलू और मटर मैंने फ्रोज़न मटर लिए हुए हैं तो इसे मिक्स करके मैं रख देती हूँ तीन मिनट के लिए कवर करके तो तीन मिनट के बाद अब मैं इसमें मिला देती हूँ ये गोभी और इसे मैं कर दूँगी मिक्स और रख दूँगी कवर करके फिर से दो तीन मिनट के लिए और अब देख लेते हैं यहाँ पर ये टिंडे की सब्जी तो यहाँ पर ये भरमा टिंडे एकदम बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं तो मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इन भरमा टिंडों को रख देती हूँ मैं साइड में और अब देख लेते हैं आलू गोभी तो यहाँ पर आलू गोभी की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये बनकर एकदम तैयार हो चुकी है तो इसे मैं रख देती हूँ साइड में और ले लेते हैं अब हम एक पैन इसमें हम दाल का तड़का रेडी करेंगे और इसमें ले लेती हूँ मैं ये ऑयल वन टेबल स्पून और इसमें डाल देती हूँ मैं आधे चम्मच जीरा वन फोर टी स्पून में इसमें हींग डाल देती हूँ और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये कटा हुआ प्याज ये मैंने पहले से काट कर रखा हुआ था और इसमें डाल देती हूँ मैं ये हरी मिर्च अदरक लहसन का पेस्ट और इसको हम अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि प्याज का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये कटे हुए टमाटर और इसमें एक चम्मच नमक भी मैंने डाल दिया है नमक कम डालना है क्योंकि हम दाल में पहले ही डाल चुके हैं तो टमाटर तो एकदम सॉफ्ट हो गया है तो अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देती हूँ यहाँ पर और आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और आधे चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ गर्म मसाला पाउडर और अब ले लेती हूँ मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी इसको मैं इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देती हूँ इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसको कर लेते हैं अब मिक्स तो ये कुक हो चुका है अच्छे से तो अब मैं इसमें थोड़े से टमाटर के पीसेस डाल रही हूँ ये पीसेस हम टमाटर के जब इसमें डालते हैं इस तरह से तो दाल का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुक नहीं होते हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं दाल में तो इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और देखिए इसमें ऑयल भी एकदम सेपरेट होने लगा है तो अब हम डाल लेते हैं इसमें दाल जो कि हमने बॉयल करके रखी हुई है और इसे कर लेते हैं मिक्स यदि आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए तो इसे मैं पाँच मिनट गैस पर रखती हूँ तब तक तड़का रेडी कर लेती हूँ इसका तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये देसी घी तो यहाँ पर मैं टू टेबल स्पून के करीब देसी घी ले रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ ये हरी मिर्च और ले लेती हूँ मैं एक चम्मच यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्च और इसको मैं इसमें डाल देती हूँ इस तड़के को तो यहाँ पर ये एकदम तड़के वाली दाल ढाबा स्टाइल भी बनकर रेडी हो गई है तो इस दाल को मैं मिक्स करके साइड में रख देती हूँ और अब हम अपने राइस बना लेते हैं तो यहाँ पर जो राइस हमने भिगो के रखा हुआ था इसमें मैं डाल देती हूँ दो ग्लास पानी यानी कि जो एक बोल राइस था उसमें दो बोल पानी मैंने डाल दिया है और इसमें अब एक चम्मच देसी घी और एक चम्मच नमक डाल देती हूँ और अब मैं इसे कवर करके रख देती हूँ इसमें जब तक कि दो बिस्सी ना आ जाए तो अब हम बना लेते हैं यहाँ पर रायता तो यहाँ पर पालक हमने पहले से ही बॉईल कर ली है और इसको मैं छान लेती हूँ इसका पानी अलग कर लेती हूँ पालक का और इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी तो पालक को मैंने पीस लिया है और अब मैं एक बोल में ले लेती हूँ थ्री फोर्थ कप दही ये मैंने गाढ़ा दही लिया हुआ है इसलिए मैं इसमें थ्री फोर्थ कप पानी ऐड कर रही हूँ और अब कर लेती हूँ इसे मैं मिक्स तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें डाल लीजिए नमक एक चम्मच के करीब और आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं ये काला नमक और आधे चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ जीरा पाउडर रोस्टेड जीरा पाउडर ये और डाल लेती हैं इसमें ये पालक पिसी हुई बहुत ही टेस्टी रायता लगता है ये पालक का तो ये आप ज़रूर ट्राई करिए तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ तो यहाँ पर ये पालक का रायता बनकर एकदम रेडी हो गया है तो इसे मैं रख देती हूँ साइड में और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ या चपाती तो सबसे पहले ये आटे में से मैं थोड़ा सा आटा इस तरह से ले लूँगी और इसकी लोई बना लूँगी और इसको मैं एक बेलन की हेल्प से इस तरह से बेल लूँगी रोल आउट कर लूँगी मैं इसको इस तरह से तो हमें थोड़ा सा पतला ही बेलना है जिससे कि रोटियाँ हमारी बहुत अच्छी पतली पतली एकदम सॉफ्ट बने तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो सूखा आटा है उसको लेके कर यहाँ पर रोटियाँ बना लूँगी और तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है तो ये बहुत अच्छे से गर्म भी हो चुका है तो इस पर मैं रोटियों को सेक लेती हूँ फटाफट से तो ये देखिए कितनी फूली हुई रोटियाँ बन रही हैं ये देखिए तो ये रोटी बनकर तैयार है इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी बना लेती हूँ तो मैं सारी रोटियाँ बना कर ये रख लूँगी इसी तरह से और अब हम रोटियों पर थोड़ा सा घी लगा लेते हैं देसी घी तो सारी चीज़ें बनाकर हमने रेडी कर ली हैं तो अब हम कर लेते हैं इनकी सर्विंग तो सबसे पहले मैं प्लेट में ले लेती हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी अब मैं ले लेती हूँ भरमा टिंडे और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ दाल और ले लेते हैं पालक का रायता और हरी चटनी और ये राइस स्टीम राइस और ये प्याज और ये रोटियाँ तो ये थाली एकदम रेडी हो गई है आप चाहें तो रोटियों को इस तरह से फोल्ड करके भी रख सकते हैं बहुत अच्छी दिखती हैं ये तो अब जब भी आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाए या फिर आपको संडे को कुछ स्पेशल खाने का मन हो तो आप इस तरह की नॉर्थ इंडियन वेजिटेरियन थाली फोर्टी फाइव मिनट्स में तैयार कर सकते हैं तो आपको ये मेरी वेजिटेरियन थाली की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके कर ज़रूर बताइए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए